ये जो स्कूटर या बाइक जो बिना हेलमेट के चलाते हैं ना रास्ते में, और पुलिस के पकड़ जाने पे उनको कहते हैं जाके, तुमको पता मेरे पापा कौन है? मेरा पापा पुलिस में है, पता है मेरे पापा आर्मी में है, पता है मेरे पापा मीडिया में है। अबे जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा ना, जब तुम्हारा ये वाला हाथ ऐसा घूम के तुम्हारी पीठ को खुजा रहा होगा, फिर अपने टूटे हुए हाथ में ना वो कार्ड लेके आना, आर्मी वाला कार्ड या पुलिस वाला कार्ड या मीडिया वाला कार्ड, फिर कहना कि अरे वो प्रोटेक्शन नहीं कर पाया है कार्ड हमारी। अबे पुलिस के साथ मत झगड़ा करो, वो तुमको समझाने के लिए होती है। कई पुलिस वाले हैं जो समझाते हैं कि पहनो, प्रोटेक्शन है तुम्हारी, गाड़ी में बैठे हो तो सीट बेल्ट लगाओ, स्टेयरिंग में वरना तुम्हारा मुंह होगा। जी मैं मीडिया से हूँ, जी मेरे पापा आर्मी में है, जी अबे वो आर्मी में है तो उनकी कदर कर लो। मेरे को तो पहले ये बताओ कि इनको ये स्टिकर कौन प्रोवाइड करवा रहा है? स्टिकर लगवा लेंगे, बिना हेलमेट घूमेंगे, फिर जब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है फिर पुलिस वाले को कहेंगे अपनी जगह पे खड़े नहीं होते जी, ये बस ऐसी है पुलिस वाले, बस गवर्नमेंट के पैसे खा रहे हैं जी। अबे बेशर्म वाले काम तो तुम करते हो कि अभी इनका एक शॉट लेके ऐसे मीडिया में दिखाता हूँ पुलिस वाले कैसे कैसे काम करते हैं। अबे तेरे हेलमेट है पर पुलिस वाले का स्टिकर लगा के पापा पुलिस में होता है, बेटा अलग से बाइक लेके घूम रहा होता है। पहली बात तो ऐसे बंदों को ना थप्पड़ मारना चाहिए मुंह घुमा के। भाई वो वहां पे काम करते हैं, दिन रात वहां पे खड़े रहते हैं, एक बार जाना जाके मजा लेना वहां पे खड़े होना धूप में। काम कोई और कर रहा है, घर में बच्चे अलग से चौधरी बन रहे, बाल खड़े करके स्पाइक करके ऐसे रोड में आवारागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो भी एक स्टिकर के नाम पे। फिर कहते हैं जी हमारे घर वाले इसमें चूतिया हरकत, खुद करनी है बदनाम उनको करना जो कर रहे हैं काम अच्छे से।